हाय वेलकम टू एफ एस ए एंटरटेनमेंट. टुडे इज जुलाई 1st 2022. जुम्मे का दिन है और शाम के 5 बजे हम निकले हैं जोगेश्वरी से. सैंटा क्रूज पहुँचते आई थिंक 6:30 बज गए. इतनी ट्रैफिक मिली हमें और आई डोंट नो कितना समय लगेगा हमें देवनार पहुँचने. बहुत ट्रैफिक जाम है और इतनी बारिश हो रही है बॉम्बे में पूछो मत. सो येलो अलर्ट है. आई चेक द न्यूज़ एंड येलो अलर्ट है. मेरे साथ है सैफ, आरिफ भाई एंड पीछे बैठा है मम्मू और है अपने कादर भाई. सलाम अलैकुम. सो ये है मुंबई का हाल. ये है बम्बई का हाल. वी आर ऑन अ वे टू देवनार और दिस इज हाउ बॉम्बे लुक्स लाइक. तो हम है देवनार के काफी करीब और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है. इसीलिए हमें ट्रैफिक मिली. 5:30 बजे हम निकले थे और तकरीबन 8:30 बज रहे. 3 घंटे लगे हमें पहुँचने को. अभी तक के पहुँचे नहीं है. देवनार जाने से पहले हमने एक स्टॉप लिया. मम्मू भी है अंदर. वेलकम मम्मू. तो अंदर की चाय तो हमें भाती नहीं है तो ईरानी चाय पी रहे हैं यहाँ पे. चाय एंड बनमक का. सो आई एम विथ माय बॉय इन ब्लू मम्मू. मम्मू मैचिंग छाता ले गया. ये तुम्हारा ही छाता है. कल नहीं आया था. पब्लिक याद कर रही थी मम्मू को लाए क्यों नहीं. मेरे को भी ले. खाली लगता सुबह ही गाड़ी उतरी. हाथ तो धक्का गेट पूरा सुना है. धक्का क्यों कहते हैं इसको मम्मू? अनलोडिंग होती है ना. अनलोडिंग होती है. धक्के दे देगी निकाला जाता है. कितने हुआ हो गए बोल काउंट इंडिकेटर पे. 18,000 तो कल था. आ जाएगा कि और 3-4 हज़ार. फिर भी बहुत कम है. आज भी सूना पड़ा हुआ है. वही सुबह जो गाड़ी आई थी वही है. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. मम्मू तेरे को लाने का ना एक डिसएडवांटेज होता है कि भाई पब्लिक आ जाती है. बहुत पब्लिक बहुत आ जाती है. घेर लेती है मम्मू मम्मू एफ एस ए करके. फिर शूटिंग करने नहीं मिलता है. घुमा घुमा. सो मम्मू के साथ खेलेंगे हम आज प्राइस चैलेंज. मम्मू आप बहुत से लोगों ने कहा कि भाई कितने का लिया वो पूछना. लेकिन अभी खरीदारी होती नहीं है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर एक्चुअली बाइंग एंड नेगोशिएटिंग. और भी डिफ़िकल्ट है बाहर लोगों को ढूंढना कि भाई लोग लेके जा रहे हैं. आरिफ भाई लोग कहते हैं कि भाई ऐसी वीडियो बनाओ कि अब पब्लिक बाहर बकरे लेके निकल रही है और हम उनसे प्राइस पूछे. लेकिन ख़रीदारी शुरू ही नहीं हुई है तो ऐसा मिलता ही नहीं है. तो आज क्या खेलेंगे सैफ? मम्मू गेस्ट मम्मू से पूछेंगे भाई दुकानदार जो है कितना मांगेगा. And let's see if you get it right. ठीक है? मम्मू कहाँ से शुरू करें? चल बताए कितने का लिया होगा ये लेके जा रहा है खरीदा होगा. 35,000 रुपीज. भाई साहब आपने खरीदा है ये? कितने में लिया? 35,000. देखे एग्जैक्टली इसने यही अमाउंट बोला. मम्मू चैंपियन बन गया तो. एंड दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड. हाँ भाई बताए 35,000 में बहुत अच्छा मिला है. अंडू था क्या? नहीं नहीं खस्सी है.
मोमो कैसे गया इसके लिए प्राइस? बस ऐसी। सबसे पहले हम शूट करते पकड़िया के हमारे शूटिंग के पार्टनर थे, आप थे शूटिंग के टाइम पे पकड़िया के टाइम पे? रजाक था, मैं साइड में था। रजाक भाई थे, आप थे, सुनामी बकरा था एक बहुत बड़ा, याद है 2019 की बात है मेरे ख्याल से, माशाल्लाह वो भी जमाना था एक अलग। अब क्या लेके आए हो आप इस मरतबा आपके सामने? देखिए वैसे आपका परिचय कराइए, आपका नाम मजर, मेरा नाम मजर भाटी। और आप कहाँ के रहने वाले हो मजर भाई? एक्चुअली मैं मुंबई लोकेटेड हूँ, मुंबई सेंटर जी। बस लेकिन कैसा है कि कई टाइम से मालवा का शौक है तो उसका कर लेते हैं साथ में काम। ओके। और भराई ना है, भराई के पता? भराई के अंडू नहीं दिख रहे पकड़िया में, तो अपने अंडू बहुत रहते हैं। हाँ, लेकिन सब ये अभी देवास और हाट पिपलिया सब गाँव से घूम घूम के सर्चिंग कर करके सब फंसी ही है। ये बड़ा फुर्सत वाला काम है ना भराई का, आदमी भी लाना पड़ेगा, अभी तीन आदमी, चार आदमी खाली भराई करने के लिए लाया। हाँ, चार आदमी भराई, बड़ा महंगा पड़ जाता है आपको? कोई नहीं, शौक है इसीलिए रेट भी वैसे होते हैं। बस भराई के बकरे जो है, आई मीन आपको नहीं लगता अभी जो फार्म आ गए हैं इतने हर एक जगह पे, थोड़ा भराई पे प्रेशर आया क्योंकि सेल्फ फीडिंग पे अच्छे बन जा रहे हैं? बनते हैं, बट कैसा है कि जहाँ तक के मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा नहीं कि फार्म पे मालवा ब्रीड के बकरे रहते हैं। नहीं, बॉम्बे में तो इतने चलते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलते। बस तो मैं मालवा का शौकीन हूँ और मैं जो जिसका शौक है वो जिसका धंधा करता हूँ। ठीक है, तो मालवा में क्या किलो पे क्या किलो तक के है? देखिए मेरे पास है ना दो तीन बकरे हल्के हैं, बाकी सब 100 किलो के ऊपर है, जिसमें मैक्सिमम बकरा 170 किलो तक। 170 है, कौन सा बकरा जो आप बोल रहे 170 है? ये जाहिर सी बात है वजन थोड़ा होगा आने के टाइम पे, 10 किलो पकड़ लो तो आपके हिसाब से 107 किलो का बकरा है। तो ये लोगों ने पाले में बेचने लाए हैं कि आपके हैं? सब मेरे मिले, सारे आपके बकरे मिलना सब मेरे। लेकिन ये क्या होता है भराई के बकरे अगर कोई ले लेता है, हाँ, आप घर लेके जाओ तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए एक आदमी भी चाहिए, तो उसका क्या सलूशन? क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैंने देखिए अभी ना अलहमदुल्ला मैंने 2 बकरे अभी बेचा हूँ, ये दोनों ये दिख गए आपके दोनों बकरे। इसके साथ अगर वो जो कस्टमर है इज कमिंग बैक टुमारो और वो बोला कि मैं 2 बकरे और लेना चाहूँगा, तो अगर वो जैसे 4-5 बकरे वो ले लिया तो एक आदमी जो है मैं उनको बेच दूँगा। मामू तेरे हिसाब से ये भराई का बकरा है, व्हाट दे सेइंग इज 170 किलो, 160-170, कितना प्राइस होना चाहिए इसका? कितना मांगेंगे मजर भाई? हाँ अंदाजा बता दो। 160 तक के मजर भाई से पूछा, मजर भाई आप क्या मांगोगे? 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये मांग रहे हैं, यू नॉट इवन क्लोज। ये एक बकरे की बात कर रहे हो आप? एक ही बकरे की बात कर रहा हूँ और मेरा इसका ऑलमोस्ट डन पे है, मेरे को बहुत अच्छा ऑफर लग भी चुका है। मम्मू ने जो बोला ना उससे कई ज़्यादा लग भी चुका है। 2 के ऊपर लग? हाँ 2 के ऊपर लग चुका। शौकीन होते हैं उसके? हाँ आप आइए। मम्मू खड़े हो इसके पास, नेक्स्ट खड़े हो आगे आगे यहाँ पर खड़े हो फोटो के लिए। पकड़ो उसको, पकड़ो देख इधर देख, मुंडी ऊपर यहाँ पे पकड़, पकड़ उसका जबड़ा पकड़, नीचे थोड़ा और नीचे, और नीचे क्या मम्मू फेल हो रहा है तू ऐसे मामले में, पकड़ बकरा हैंडल नहीं कर पा रहा है। बताइए तो इसका तो दाम लग गया आपके पास? हाँ करीब करीब लगा। और कौन सा है? एक्चुअली इसके साथ है ना जोड़ है, तो ये दोनों का ही मेरा मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो बैठा है ना, ये जो खिला रहे हैं इसका ये मेरा, ये मेरा ब्रॉक लेसनर है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कलर है, बहुत कम मिलते हैं ऐसे रंग। ठीक है, क्या ठंडा हुआ है कलर है वैसे ही कलर ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया सिंपल टोन है। सर की एक सीरीज जाती है जी, तो लास्ट टाइम भी मैंने 168 केजी का बकरा कुर्बानी किया था मेरे घर पे, वहीं से लेके आया था, तो उससे मिलता जुलता था तो ये मैंने ये ले लिया था। ये हाँ
इसका कितना मांग रहे हो आप? इसका प्राइस 2.5 लाख। 2.5 लाख। मोमो बैठ, एक जरा तू भी भराई कर। हाँ, एक जरा पत्ता दो ना इसके हाथ में एक फोटो के लिए। आप थोड़ा हटिए, इसको भी सिखा दो कैसे करते हैं भराई। देख इधर, देख इधर, देख वो, अरे उसका चेहरा तो बता, वहां से डाल, यहाँ देख, अभी तुम यहाँ देख, स्माइल कर, बस बस। ये भी टैलेंट है यार भराई करना, बहुत मेहनत करती है। कितने किलो पर? ये भी 150 किलो पे है, 46 इंच हाइट है इसकी। बट कैसा है कि बकरे जो है वो कल तक का रेडी होंगे, कल रात में आए हैं बकरे आपके सामने बारी। आप लकी हो कि आपको ये ऊपर का भाड़ा मिल गया कि सारे लोग शिफ्ट हो गए यहाँ। मैंने तो बकरे लाला और सीधा लाके घुसा दिए, और जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने एक दो अथॉरिटी से बात की है, तो बारिश कल आप खुद ही देख रहे थे बारिश कैसी थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है मेरे लिए अलग से गेट खोले बकरे देखते। अच्छा, पिछले 2 साल जब देवनाल नहीं लगा था आपके बकरे कहाँ पे उतरे थे? मुंबई सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल में मंडी लगी, हाँ कल्याण बिल्डिंग के पास। ओके, हाँ वहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा था? मैं तो वैसा टिपिकल मंडी नहीं थी, मेरे बकरे तो जैसे मैंने 10 बकरे उतारा, मैं 10-12 बकरों का ही काम करता हूँ। ओके ओके, 10-12 बकरे उतारा, घंटे 2 घंटे में पूरे बकरे सोल्ड आउट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बकरे सब 150 किलो के आसपास की, ऐसे टाइप के बकरे थे। ओके ओके, तो ये है, ये वाला, ये वैसे सब आटर दाँत के बकरे ना? हाँ ये सब आटर दाँत के। कितने महीने से इनको भराई पे लिया आपने? ये समझ लीजिए कि कुछ मेरे मतलब बंदे के घर पे पले हुए हैं और कुछ मेरे परचेज किए हुए हैं, तो इनका पैटर्न तो वही चलता है कि समझ लीजिए सब मेरे लाइक आखिरी के 4-5-6 महीने के हिसाब में ही भराई उनकी होती है, बाकी टाइम तक का बकरे जो है वो नॉर्मल फीडिंग पे रहते हैं, सेल्फ फीडिंग पे। इसमें सबसे सस्ता बकरा कौन सा मिल जाएगा बजट वाला? सबसे सस्ता बकरा देखिए ये बैठा ना, ये है ये वाला, तो ये भराई पे इतना सी है? नहीं ये भराई का नहीं, भराई का सेल्फ फीडिंग। हाँ ये भराई वाला सस्ता वाला कौन सा है? भराई में सबसे सस्ता बकरा जो है वो आपके हिसाब से ये बकरा, ये वाला भी 1 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, हमारे लिए तो अभी आप सुनने में तो सस्ता ही लगेगा, जब आपने 4 लाख सुन लिए तो आप ये लेके जाइए। तो ये है 1 लाख रुपये मांग रहे, मतलब ये 1,15,000 रुपये मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके दे देंगे। ओके, 115-120 kg के आसपास है, 115-120 किलो का मामू थोड़ा आगे हटो। बट इसके अंदर एक स्पेशलिटी है, जो मालवा का शौकीन रहेगा वो समझ जाएगा, ये कलर जल्दी आपको मिलेगा नहीं उतनी। अच्छा, भराई वाले बकरों को सेल्फ फीडिंग पे ला सकते हैं आसानी से? ला सकते हैं आसानी से, नहीं कैसा, थोड़ा इट टेक्स टाइम। व्हाट डू यू हैव टू डू? नॉर्मली उनकी भराई जब बंद करें तो देखिए कैसा ये बकरों का ऐसा पैटर्न रहता है कि जैसे अभी अगर इनकी भराई पे खुराक ज़्यादा है और इनको अगर आपने भूखा रख दिए तो मुँह से थोड़ा बहुत तो खाने लग जाएंगे, तो धीरे 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 एक पैटर्न से ये बकरे नॉर्मली देखिए, कई बकरे ऐसे होते हैं जो भराई के रहते हैं और बिकते नहीं है, तो फिर वो 1 साल फिर पलटी होते हैं, तो वो कोई भी आदमी जो है उनको पूरा साल भर भरेगा नहीं। ओके, तो उनको फिर नॉर्मली फिर से खाली करेगा, सेल्फ फीडिंग पे लाएगा, उसके बाद ही वो बकरों को भरेगा। तो अगर कोई यहाँ से लेके जाता है, अभी ईद है 10 तारीख को, हाँ तो बकरा खाएगा ही नहीं 10 तारीख तक के घर पे अगर खिलाया नहीं गया तो उसको? नहीं ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत खाते हैं, इनका जो एक्चुअली इनका जो साइज है वो साइज पे अगर इनको मेंटेन रखना है तो देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा थिंग। ओके, अभी कैसा है कि इनको खिलाएंगे आप ना तो ये थोड़ा बहुत खाएंगे, बट इनका कैसा है जो एक एक्स्ट्रा साइज जो आपको दिख रहा है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू, बिकॉज इनका ये हैबिट हो गया है। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू मेंटेन। व्हाट इज योर नंबर बाय द वे फासिल भाई? इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू, माय नंबर इज 9022 9022 22 22 20 20 60 60, लॉट ऑफ टूस, वंस अगेन 9022 20 60 भाई, ये कितने का आपने प्राइस नहीं बताया इसका, सस्ता बोला आपने, 55,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, दे देंगे आपको नीचे रहते हैं। कितने? 70 किलो का? 75 किलो पकड़िए, 75 किलो का आपने नहीं उठा, मैं देख लीजिए। अब आपको आप मालवा में आप ऐसा दाम मांग रहे हो, अभी लोग तो किलो के हिसाब से ही समझो भराई का, तो आई अंडरस्टूड, बट ये 55,000 कैसे हुआ? आई मीन 100 किलो का होना चाहिए ना 55,000 का? देखिए कैसा मालूम है कि अभी मेरी क्या, अगर पर्सनली मेरा अगर एग्जांपल लेंगे, मैं भी मेरे घर पे बड़े बड़े बकरे की ही कुर्बानी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मदर भाई, तो मुझे नहीं चलेगा सोचा मैं मालवा ही करूँगा। मैंने 2020 के लॉकडाउन में भी MP से बकरे मंगाया था। अच्छा, वो टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने तूफान में 6 बकरे मंगाया था घर पे। वैसे व्हाट डू यू डू अदरवाइज फुल टाइम? आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो ये शौक है, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, उसके अलावा मैं प्रीमियम कार्स का डीलर हूँ,
तो मेरा यूज कार डीलिंग का भी काम माशाल्लाह। है माशाल्लाह। तो भाई खस्सी भराई के बकरे ज्यादा बिकते हैं अंडुल के मुकाबले? भोपाल में पैटर्न है अंडुल भराई के बकरों का, बाकी इस तरफ और मेरा कैसा है भोपाल में ऐसा कोई लिंक नहीं है। मैं देवास साइड की ही हंटिंग रहती है मेरी और वहीं पे मेरे कॉन्टेक्ट है, तो मैं प्रीफर खस्सी ही। तो ये सारे जो है ये सेल्फ फीडिंग है? कोई भी सेल्फ फीडिंग पे नहीं है, एक दो बकरे को छोड़ दिया। अच्छा, ये किला ही रहा है? हाँ, देख लीजिए आपके सामान सब सिमिलर है। तो ऑन एंड आवरेज कितना है 1 लाख रुपए के बकरे में? जैसे अभी वो बकरा है जैसे, ये तो बहुत बड़ा बकरा है, जब ये 1 लाख का है या आपने 1 लाख खोला तो ये तो इससे छोटे हैं ना बकरे? कौन से? ये सारे जो है साइज में तो छोटे हैं। ये एक, ये दो, हाँ ये सिंह वाला, ये तीन, हाँ ये चार, ये सब लाख के अंदर, ये सब लाख के अंदर, लाख के अंदर। बाकी सब जो है वो लास्ट में जो बैठा है उतरा होगा, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है। ये मेरा जोड़ी का ये है, बट कैसा है अगर आप सिंगल की बात, ये एक्चुअली वो बकरे की जोड़ है जो अपने सबसे पहला बकरा देखे उसके साथ की ही बकरा है। बट अगर ऐसा रहेगा अगर सिंगल की बात रहेगी तो ये बकरे का मैं मांग रहा हूँ 3.5 लाख। 3.5 लाख? हाँ, ये बकरा भी आपको मैं दिखाऊँ। माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है। एक्चुअली क्या आपके सब बकरे बड़े बड़े हैं ना, और बाड़ी के अंदर समझ में नहीं आता। हाँ, बस वही, जब बाहर निकाले तो अलग ही रुबाब रहता है वो है। और मैंने जो चीज़ देखा होगा, देखिए कैसा, मतलब मैं अधिकतर हम लोगों का एक सर्कल है ना, बहुत लिमिटेड सर्कल है, जो मालवा पसंद करता है वो मालवा ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोजत में नहीं जाता है, तो वो चीज़ भी है। और कैसा मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आ रहे हैं लोग, और कॉन्टेक्ट फोन पे भी लोगों का चल रहा है, और खासकर कि ये और वो बकरे का तो मतलब ऐसा है कि काफ़ी इंक्वायरी है। और आने वाला आपका माल? माल है ही नहीं वहाँ पे, तो कहाँ से लाए? मैं तो अभी भी कांटेक्ट में लगा हुआ हूँ कि आ जाए कहीं से भी, दो चार भी आ जाए, बट नहीं है। जिस किसी को भी चाहिए, जिस गेटिंग टच विद मसर भाई, आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आप अच्छा, हाँ डल, ये भी मेरा मतलब 6-7 महीने से फैला हुआ बकरा। इसका फेस देखिए क्या बात है, वाइट आइस, मार्बल सिंह मार्बल। मैं थोड़ा दूर खड़े रहता हूँ, फ्रेम में नहीं है इतना बड़ा, शेप देखिए, थोड़ा दूर लेके खड़े हुई है। हाँ, पीछे 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 पीछे, हम आए जरा, आओ आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, कवर इमेज में। अलवर और हैदराबादी में क्रॉस है, मालवा और मालवा और हैदराबादी में। कितना मांग रहे हो आप इसका? ये बहुत खूबसूरत है, कमर आई है, बहुत अच्छी आई है। आपको सामने से ना 3 दिख जाएगा दोनों तरफ, ऐसा 3 जब ये बकरा अपने फुल साइज पाएगा ना 3 दिख जाएगा। कितना मांग रहे हो आप ये बकरे का? मैं मांग रहा हूँ 175। ठीक है, लास्ट टाइम योर नंबर वंस अगेन, 9090 5 × 2 0 6 0। मजर भाई, नाइस टॉकिंग टू यू, इंशाल्लाह दिन में देखते हैं। हाँ, भाई कल इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, वहीं पे जाना है, रस्सों के बगल में तो जाना है। हाँ हाँ, नहीं लगेगा, चल 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 चलिए चलिए, एक कैमरे के लिए 3 छाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऐसी छतरी दे। चार, एक कादर भाई की भी है। ये बड़ी भीड़ी, रामी बड़ी यूपी के रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? शाकिब। शाकिब भाई, बर्बरी शॉपिंग कर रहे हो आप? क्या बर्बरी लेता हूँ, सलाम वालेकुम। क्या मांग रहे हैं? ये दो बकरे का 52 बोल रहे हैं। 52 और कितने किलो पे हो गए? 50
40 के ऊपर की लग रहे मेरे को। आपकी कितना बोला? मैंने उसको 34 बोला हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी मिल लिया था तो वही 18 के आसपास में लिया था। 18 का इतना ही बोला, इतना ही बोला अभी, क्योंकि माल भी ज़्यादा नहीं है और बारिश भी है, तो लोग मेरे ख्याल से कल के लिए बैठे जो वहाँ पर जो बाड़े में थे लेफ्ट हैंड साइड, आई थिंक सारों को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा था। तो खाली हो गया क्या? मोस्टली खाली हो गए यहाँ पे शिफ्ट, आगे तक भर गया पूरा, यहाँ पे पूरा भर गया आगे भी। क्या आगे भी बहुत अच्छे बड़बड़ी आया बकरे, लेकिन ओके ओके इधर ठीक है, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है आगे। ये कितने दांत पे हो गए? दो दांत हो गए क्या? अभी जेडी के बरबरे देख लिए ना, तो कुछ पसंद नहीं आएगा। अब वो अलग ही जेडी से बकरे भी है आगे, बट डेट इज पलाई वाले, भराई वाले हैं, भराई वाले वो जाके 10 दिन में तो और वेट कर देंगे। लेकिन वो क्या अपने पाले हुए है ना, वो जेडी पे जो है वो पाले वाले, और वो थोड़ा बड़ा भी उम्र के हो गए तो दो दो दांत है। लेकिन ये रखेंगे तो आपको लगता है बनेंगे वैसे? वो फ्रेम के मुश्किल है, वो जो टमाटम बनते हैं ना इमरान भाई, मेरे को इतना तो डीप डाउन नॉलेज नहीं है। आपने पाले नहीं हो फार्म पे कभी? बट अभी ऐसा सोच के लग रहा है बड़े बकरे लेकर उससे अच्छा फार्म पे पाल दो, 70,000 का ही बेच रहा है। इवन इफ आई गिव इट ऑन फार्म फॉर 1 ईयर 36,000 होता है, 15,000 का बकरा आएगा, 50,000 देगा और 70,000 बन के निकलेगा भाई, वो तो अलग ही लगेगा, वो जेन्यून बना हुआ और शौक भी पूरा होगा। बट क्या यहाँ क्या जानवर लेके जाने लायक है फार्म पे? क्योंकि जिस कंडीशन में लोग आए भर भर के, आई डोंट थिंक वो एक सेफ रहेंगे ना, वही थोड़ा वो एक फैक्टर है, मोर्टेलिटी का डर रहता है। लेकिन अभी तो फिट लग रहे हैं सारे बकरे, माशाल्लाह भीगे भी नहीं है, ये भीगे भी सूखे ओके भीग गए तो फिर इसकी ये सबसे डेलिकेट आइटम है एज कम्पेयर टू अंडू और खस्सी में। इसमें अंडू है कुछ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आहत भाई। तो और कहाँ पे अच्छे बकरे? बरबरी बकरे हैं आगे उधर राइट में, भराई वाले हाँ, वो है 1,00,000 रुपये 1,25,000 रुपये देखना पड़े, बट वो है इस वाड़े में राइट साइड, राइट साइड ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? जिशान शेख। जिशान, इट इज़ बहुत अच्छा लगता है कि लोग आवासी पहचान लेते और आके बोलते आप फाद भाई हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। क्या करने आए हो? शॉपिंग क्या बस है सपा? नहीं, देखने आया है कि मिलेगा अपने बजट में तो ले लेंगे। क्या क्या पसंद है आपको? अंडुल खसी? खसी खसी। और कोई एक नस्ल है दिमाग में? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। कोई एक प्राइस रेंज पकड़ के लाए या मुझे यही रेट में लेना है? हाँ। उतना ही बजट कोई जचा वो बजट में कोई जचा है अभी तक? क्या नहीं, अभी तो अभी जस्ट आए 5-10 मिनट हुआ है, देख रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? आशियान शेख। आशियान शेख, हाउ डू यू फाइंड द गोट्स हियर? गुड गुड। उमर बिलाल, और आपका नाम क्या है? जफर शेख। कैसा लगा मंडी का? बढ़िया है, बस पानी का प्रॉब्लम दिख रहा है सबको, पर यहाँ पे तो नहीं है ना पानी का प्रॉब्लम, ये थोड़ा अच्छा है, ये क्या कंक्रीट है थोड़ा एलिवेटेड है, उस साइड प्रॉब्लम है। आई होप वो भी ऐसा हो जाए, हो जाए हाँ। ठीक है, नाइस टू मीट यू, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। इनकी जो कवर फोटो डाले थे एक बड़े गुजरी बकरे के साथ, पहला बाड़ा था मेरे ख्याल से आपका, दूसरा नंबर बकरा बिक गया हाँ अपने चैनल के थ्रू हाँ। और कहाँ पर गया वो? हैदराबाद का है पार्टी। अच्छा, तो हमारे हैदराबाद के सब्सक्राइबर ने लिया, थैंक यू सो मच। और आपने भेज दिया हैदराबाद? नहीं नहीं, तुरंत क्या अभी यहीं पे है? तो कितना हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन? यानी भाई अभी उसका सौदा ना 2,000 रुपये के लिए अटकेला है वो, तो हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा बकरा है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए सारे आपके? सारे कोई है? अच्छा, ये बड़ा बीटल कितना मांग रहे हो आप इसका? 65,000 रुपीज़। दिन में रहोगे आप? इधर ही रहता है, कल मिलते हैं दिन में, अभी रात में समझ में नहीं आया। ठीक है, नाम क्या बताया? आफ्ताब। आफ्ताब, नंबर आपका दोबारा? 8828977275। थैंक यू आफ्ताब, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स है, बोले मम्मम नहीं मम्मू नाम है इसका, मम्मू के साथ फोटो लेने वीडियो में ही आ जाओ ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस खान। आपका भी नाम मोहम्मद है? इसका भी मोहम्मद ही है। आपका? मोहम्मद हुसैन खान। ये भी मोहम्मद है। फारूकी मोहम्मद जैद। माशाल्लाह, ऑल मम्मू से। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। एक और मोहम्मद। आपका? सुफियान। रेहान। रेहान, थैंक यू। जलल एफ एस ए एंटरटेनमेंट।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया अंसारी। और कहाँ कहाँ से आए हो? मुंबई से। मुंबई से? ये बकरा लोगों ने बोला भाई ये यहाँ पर जाके कवर करो क्योंकि आपकी रेट माशाल्लाह है भैया। क्या है ये बकरी की खासियत पहले ये बताए? पहले बकरा बता दूँ मैं लोगों को, क्या खासियत है ये बकरी की? खासियत कुछ नहीं है, बस ये कि मैं यहीं से लेता हूँ और यहीं बेचता हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा बोली नहीं बोलता हूँ जी। मेरे को 2,000-1,500 मिला मैं दे देता हूँ। कितना मांग रहे हो आप इसका? मैं इसका 28,000 मांग रहा हूँ। 28,000 मांग रहे हो? और ये वाले बकरे का? 13,000 रुपये। ठीक है, ये कौन कितना बच्चा है अदन दे? और ये कितने दांत पे है? ये 6 दांत। 6 दांत पे आपने इसका 28 बोला? हाँ 28। और ये 13। ठीक है, कौन से बाड़े पे मिलोगे आप? तो बीच रास्ते में बैठे हो। हाँ ये यही है मेरे ख्याल से, ये एस भाई के सामने है। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? बोला जिया अंसारी। जिया अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया जिया भाई। आपका नाम भाई? मेरा नाम फहद है। और अपना ये चैनल का नाम? FSA एंटरटेनमेंट। तो इससे पहले भी तो हम वहाँ मिले थे ना? जी जी जी। भाई इसका कितना मांग रहे हो भाई? ये गुजरी का मांग रहे हो 65। क्या नाम है आपका वैसे? मोहम्मद अयाज हुसैन। वो आपके पार्टनर थे क्या जो उनका इंटरव्यू लिया? थोड़े प्राइस बता दो, आप नीचे आओ थोड़ा। अयाज भाई कितना मांग रहे हो? 65 का। ये वाले का? सामने वाले का? सामने वाले का भी 65। क्यों इतना भाई? कैसा मालूम भाई? अभी अपने फार्म के जा 80 किलो का होगा जान। नेगोशिएबल है ना? नेगोशिएबल है। डिस्काउंट कितने दांत पे है ये? हाँ भाई ये भाई 8 फूल दांत। वो वाला पसंद है? ये फूल दांत है भाई। हाँ फूल दांत। 4 दांत पे है। बहुत अच्छा बकरा है माशा। बहुत अच्छा बकरा है भाई। इसका कुछ क्या भाई? आपका बकरा है? हाँ। क्या है भाई? तुम्हारे वीडियो में भाई सब चीज चैनल पे दे देंगे तो कमाएंगे क्या भाई? बोले को कहाँ पे जाता हूँ? अरे मजाक मत करो ना, वही फाइनल होएगा। ठीक है, नंबर वापस से दे दो। 8828977775। ठीक है, थैंक यू। कहाँ पे हंसा हंसा? मेरे को ना यहाँ से जाओ, यहाँ से चले जाओ ममता मेरे बाड़े में से। हाँ वीडियो बना दिया है। दिन में कवर करते हो रात में? घूमना है और चलना है, चलो ना। यहाँ पे है बोले हंसा शेफ। तो ये वाले बाड़े सारे फुल हो गए? हाँ सारे फुल हो गए। वो तुम बोल रहे थे ना बड़े बड़े अंडू ले, वो कहाँ पे सर? ओके, वो गुजरी नहीं मिला जो अपने टाइप का है ना बड़े बड़े, ये वो क्वालिटी नहीं मिल रही है ना सर? ये कार पे अभी 2 ही दिन हुए हैं ना, लेकिन अच्छे उतरे यार। लेकिन धक्का गेट तो पूरा खाली था, और सुबह में जो माल उतरा वही है मेरे ख्याल से। 3 तारीख के बाद आई है मेरी। हाँ लेकिन वो आपका है, आपका जानवर है। कितना मांग रहे हो? वही कल वाला रेट भूल गया मैं। कितना है वही कल जो अपन फेमस करे थे ना जो वीडियो? अरे अभी बोलो कल की रेट याद नहीं है। छोड़ो भाई, चल बाद में कॉल कर दो। चलो वो सही क्या? बारिश की वजह से गर्दी कम है, वीकडे है इसलिए गर्दी कम है। कल होता है सैफ, ये अंडू की बात कर रहे थे क्या? ये डांग जो नहीं अरे भाई इधर ये 2 है ना?
यहाँ देख लेंगे। भाई किसका बकरा है ये? आपका है सर? आपका है? कितने दांत पे है? कितने पे सर? 6 दांत पे। और कितने किलो पे होगा? ये 100 किलो का होगा। आपका नाम क्या है? आशीष। आप खुद कितने किलो के? तो आपको खुद का वजन नहीं पता, बकरे का वजन कैसे बता रहे हो आप? अच्छा बताइए कितना मांग रहे हो आप इसका? सर आपका बकरा है ये? कितना मांग रहे हो आप इसका? 65,000। सर कितने किलो का होगा? 90 होगा? 90 होगा? 90 होगा। 40-41 हाइट। हाँ माशाल्लाह। कितने दांत पे ये? 6 दांत पे। कितना मांग रहे हो आप बोले? 65,000। ये कौन सा बाड़ा है वैसे? बाड़ा ये है S3 है। अंडू की खसी है? अंडुल। अच्छा अंडुल है। नंबर दोगे आपका? हाँ नंबर। क्या नंबर है आपका? नंबर 77-42-41-33-47। थोड़ा ऊंचा बोलो तो हमारे को भी सुनाई देगा। क्या? 77-42-41-33-41। और आपका नाम क्या है? सतीश। कहाँ से आए सतीश? राजस्थान से। कहाँ? अलवर से। अलवर से? अलवर में ऐसे बकरे गुजरी लेके आए अलवर से? हाँ गुजरी। अच्छा बकरा। थैंक यू। आपका है? आपका है बकरा? कितना मांग रहे हो सर बरबरी का? क्या नाम है आपका? फुरकान। फुरकान? फुरकान कहाँ से आयो? यूपी से। मुरादाबाद से? मुरादाबाद से आयो। अच्छा सुबह जो गाड़ी उतरी वही? हाँ। मैं कवर किया था, बहुत सारे बरबरी थे उसमें तो। बरबरी? हाँ गेरी और पीछे बन रहा है। बड़े बड़े भी अंडू भी थे 2-3 में देखा। और ले, ले, पीछे बन रहा। पीछे। अच्छा कितना मांग रहे हो इसका? कौन सा? ये वाले का। इसका चेहरा बताओ। इसके छोटे वाले का। कितने दांत पे? दो दांत पे है। कितना मांग रहे हो? इसके मांगने 20,000। अच्छा कोई ऐसे जाड़ी सिंह वाला है जो बहुत जाड़ी सिंह वाले बर्बरी होते हैं ना, बड़ी बड़ी सिंह वाले, वैसा कोई है इसमें आपकी शॉप? हाँ है। कहाँ पे है? देखने पीछे बैठे हैं बड़े बड़े। आप बताइए जरा। वो सो रहे हैं कोने में भी, बड़े बड़े सिंह वाले। कल दिन में करते हैं फिर। क्या रेट से क्या रेट तक के मिल जाएंगे बर्बरी आपके पास? बर्बरी 30 से लास्ट है। 30,000 रुपये से शुरू हो गए? हाँ। तो कमाल कर दिया फिर। कहाँ तक के जाओगे आप? 30-40। हाँ। कम हो जाएगा ना तो आप मांग रहे? हाँ, दो एक हज़ार रुपये कम तो हो जाएगा। एक दाम तो कोई देने का भी ना है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप इतना दूर से आए हो, यूपी में भी तो बड़ी मंडियाँ लगती होगी? मंडी लगती है, कोई दो पैसे के लिए ज़्यादा के लिए आए हैं। मुंबई में ज़्यादा दाम मिलता है आपको? अगर मुंबई नहीं होता कोविड में तो अभी 2 साल कहाँ पे बेच रहे थे आप? दिल्ली में। कहाँ पे? गाजीपुर? क्या गाजीपुर में? गाजीपुर में नहीं मिलती रेट? गाजीपुर में पुलिस बहुत लट के देगी। और इससे छोटी है मंडी? हाँ इससे छोटी है, इससे काफ़ी छोटी है। ठीक है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंबर क्या है आपका वैसे? नंबर किसी को कांटेक्ट करना होगा बकरों के लिए तो, या बाड़े का नंबर क्या है? बाड़े का इसका? हाँ S3 कुछ। कितना? 1202। सो मम्मू क्या हाल है आज इंडिकेटर का? आज 29,417 है, 4 जुलाई। 29,417। और गए कितने बकरे? गए 600 भी नहीं गए अभी तक। 595 और टोटल बचे 28,822। सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ोएब। और आपका सर? इमरान। सर क्या हाल है आपको लगता है? ये पहली बार आया अभी, देखो तीसरे दिन के लिए ठीक है बोर्ड क्या भाई? बहुत कम लग रहा है आपको नंबर? कम लग रहा है अभी तो। कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं तो तीन दिन में तो नहीं होता है 6 फिगर? नहीं तो अभी टाइम कहाँ बचे? 10 दिन है ना, 9 दिन है दिन अभी। क्या 9 दिन? अब 8 दिन बाकी है। क्या सोसाइटी में परमिट नहीं करते हैं मोस्टली बॉम्बे में, इसलिए लोग लास्ट मोमेंट पे ही खरीदते हैं। नहीं तो सोसाइटी वाले कहाँ लेते बकरे भाई, सब चाल वाले लेते सोसाइटी वाले। अरे भाई आप हमारी बिल्डिंग में आओ, अपना ओपिनियन चेंज कर डालो, बहुत लेते हैं। तो 29-30,000 है, कल आए थे हम 19,000 था, तो 10,000 बढ़ा है दिन में, तो जाएगा। 1 लाख की परमिशन है वैसे, और वो बाजू तो है नहीं, पूरा पानी भरा हुआ है, तो रखने की जगह भी नहीं है। चलिए भाई ये कभी 1 मिनट कब आएगी? आज आ जाएगी रात में। क्या चैनल है आपको? देवनार बकरा मंडी लिखोगे आ जाएगा, FSA एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भाई साहब। आपके
क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद भाई कितना मांग रहे हो? बोल रहा भाई का। अच्छा अब भी आए लगता बारिश में भीग के जानवर। कल पूछे हैं इनकी रेट, कल के लिए भी कुछ रखते हैं। चलो इधर 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 कितना मांग रहे हैं आपके भाई के? इधर है मोइन ना? यस सर। कैसे हो मोइन? बहुत अच्छा वगैरह लाया हो आपने, तो वहाँ से शूट करता लाइक आया। हाँ। मोइन कम है मोइन, आप तो पीछे बेच हमारी बिल्डिंग के पीछे बेचते थे, यहाँ पे कैसे आ गए सडनली? बात में एक बार देना और बुलाए तो यहाँ का ही फील लेवे ना थोड़ा। जी सब यहाँ पे आएंगे तो कितने लेके आए हो जानवर? अभी 11 बकरे। 11 बकरे का नहीं, अभी 7 बजे आए हुए भाई। अच्छा अभी आए जी। ये बकरा बहुत बड़ा है, ये अपना खरीदा हुआ है, पाला हुआ है? बहुत बड़ा बकरा है यार ये। कौन सा नस्ल में आएगा? ये सोजत में आएगा। सोजत क्रॉस है या प्योर है? क्रॉस में ये इतना परी है ना। कितने दांत है? पूरे दांत? पूरे दांत काट। कितना किलो कराया था आपने? ये 108-109 किलो जी कुल चुका। इजीली होगा है ना, 110 के करीब लग रहा है। कितना मांग रहे हो आप इसके? 1,20,000। 1,20,000 रुपये। बहुत अच्छा बकरा है, बहुत अच्छा बकरा। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एक्चुअली वीडियो जस्टिस नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा बकरा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरली बकरा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरली बड़ा है। अभी बारिश के वजह से थोड़ा मेला भी हो गया है और वो भी बहुत खूबसूरत है। वो क्या है बैंटम? मोइन कितना मांग रहे हो बैंटम का? इसके 30,000। और कितने दांत पे है ये? 4 दांत। 4 दांत पे। ये वाला ये भी 4 दांत पे है, उसके लिए 30,000। वो इतना फरी नहीं है, वो पेट में थोड़ा है। ओके। और ये दुम्बा? दुम्बा 4 दांत पे 95 kg, 90-95 kg वेट है इसका। और इसके भी 1,20,000। 1,20,000 रुपये। ये क्या है? ये स्टैनियन क्रॉस में है। स्टैनियन क्रॉस कितना मांग रहे हो? इसके 32। 32 का होती है। ये बोर है और इससे कितना मांग रहे हो? इसके 30,000। 30,000 रुपये। छोटा? ये छोटा के 45,000। 45,000 रुपीज़। कितने दांत पे है ये? 6 दांत। 37-38 हाइट होगी इसमें। हाँ, 37। और ये तो बहुत ही बटला है, अधूनते क्या? नहीं, 2 दांत पे। 2 दांत पे बहुत खूबसूरत है। कितना मांग रहे हो इसका? इसके 30,000। 30,000 रुपीज़। और वो लास्ट में जो है 47। ये ऐसा मोइन आपका पाद भाई, सबसे तो मार्केट में चीप ही प्राइस है अपना। सब तो कुछ भी प्राइस मांग रहे हैं। नंबर क्या है आपका? 8108-4922-99-4922-99-0 ठीक है। मोइन है ये। हाँ माशाल्लाह, ये बकरा बहुत अच्छा है। गंदा हो गया है, बारिश बहुत हो रही थी दिन में, तो निकालना आराम रहोगे दिन में है ना? विल मीट इन दी आफ्टरनून इंशाल्लाह। अभी तो समझ में नहीं आता अंधेरे में हो रहे है। बहुत अच्छा है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। कहाँ से लिए यार? हाँ कितना? 42 हाइट होगी सर इसकी? कितना है? हाँ 43 होगी ना। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या खिला रहे हो आप? वही जो अभी है, वही अपना जो फील चलता है। बकरे ने खाना छोड़ दिया, जगह चेंज किया तो? हाँ वो तो देखो दाना रखा है, कोई खाई नहीं रही। और ये बाड़ा आपको मिला है कि चुना गया है? चुना गया। चुना गया। अच्छे बकरे हो लेकिन फार्म पे तो और है ना, बहुत सारे बकरे आते हैं। हाँ अभी वो जो तो, बेचने के लिए पलटी के है। ओके, तो पलाई भी करते हो फार्म पे? हाँ पलाई का भी। और क्या है आपका पलाई का? पलाई का 4,000। 4,000 रुपीस। बात भाई मुंबई जोगेश्वरी में। अंडुल का? अंडुल का। और खस्सी का? खस्सी का 3.5। माशाल्लाह बकरा।
कल दिन में शूट करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, बाहर बाहर निकालेंगे चलाएंगे। बारिश में मत निकलाओ, बारिश में प्रॉब्लम हो जाए, धूप धूप निकलेगी। हाँ वो भी बात है। चलिए थैंक यू। ये सैफ का कजिन ही है, ये चुना वाला ना, मोइन चुना वाला। हर बार हम जब निकलते कोई मिलता है क्या, हम आपकी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। इट्स कर्टसी टू टेक देम ऑन कैमरा। क्या नाम है आपका? आवेश। आवेश, वीडियोस देखते हो बकरे मंडी भाई? पूरी। थैंक यू। कपड़ा लेने आए हो क्या सैर सपाटे के लिए? लेने आए। कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ पे रहते हो? रे रोड। रे रोड, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो सर। आपका कल भी ब्लॉग देखा? देखे हो? कौन सा? मैं वो कल आपने डाले थे ना, जब पानी भर गया था और ये सब था, तो मम्मो के साथ और भी लोग थे, तो मैं बोला क्या नाम है तुम्हारा? अनस। अनस आएगा ब्लॉग में? आज रात में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था आज का देवनार का ब्लॉग। मम्मू ज्यादा ये बकरे कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किया मजा आया। उस साइड तो पूरा एक्वा मैजिक का था। एक्वा मैजिक का रात में समझ में नहीं आया। कैसा लगा आज का दिन? अंदर में मेरे को नहीं समझ में आता। आरिफ भाई आपका क्या, कल से बेटर था? कल से बेटर था। क्वालिटी देखने मिली ना, एक बार क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी भी बहुत आई है इस बार। कादर भाई कैसा लगा? अच्छा लगा, एक नंबर बकरे आए। प्राइस कैसे लगे? प्राइस ज़्यादा महंगे। नहीं ना, मज़ा नहीं आया, बड़े सस्ते रहना चाहिए। 15,000 ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों का वही बजट होता है 15,000-20,000, लेकिन वो बहुत कम देखने मिलते हैं, या तो देखने मिलते हैं, हम जाते नहीं हैं क्योंकि अब उनको शायद पसंद नहीं आते वैसे बकरे। रेट अभी भी गिरे नहीं। हाँ।